हेलो एंड वेलकम टू SDCM। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम BSc सेकेंड ईयर। ये देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पे। प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 mm है। 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर 3 मिलीमीटर चौड़ी फ्रिंजें बनती हैं। गणना कीजिए स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। फर्स्ट पार्ट में हमें ये कैलकुलेट करना है स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, उनका वेव लेंथ एक्चुअल में लैम्डा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और यहाँ से केंद्रीय प्रकाशित फ्रिंज से तृतीय काली फ्रिंज की दूरी। तो इस सेकेंड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बारे में, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिट्स के बीच की दूरी दी हुई है हमें, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये हमें पता है स्लिट के बीच की दूरी को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये 0.2 mm दे रखी है हमें, 0.2 mm, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो ये हो जाएगा 0.2 × 10⁻³ मीटर। तो डी इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखें, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा एक डिजिट आगे खिसका है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर। तो स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी ये। आगे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पर्दे, तो पर्दे की दूरी दी हुई है 100 सेंटीमीटर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये 100 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, तो सिंपल सी बात है 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल डी की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर। आगे बोला गया है 3 mm चौड़ी फ्रिंजेज बनती हैं, तो फ्रिंज चौड़ाई W की वैल्यू हमें दे रखी है 3 mm, और इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर। तो ये दे रखी है W की वैल्यू। तो आगे बोला गया है गणना कीजिए स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये हमें कैलकुलेट करना है स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो ये हो जाएगा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को हम पढ़ चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं। फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू डी लैम्डा, ऊपर आता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी, नीचे आता है स्मॉल डी। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, तो देखिए डब्ल्यू की वैल्यू दी है 3 × 10⁻³ - 3, तो इसकी जगह पुट करेंगे 3 × 10⁻³ - 3 इज इक्वल टू कैपिटल डी की वैल्यू बन दी हुई है इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू देखिए दी हुई है 2 × 10⁻⁴ मीटर, तो इसकी जगह पुट करेंगे 2 × 10⁻⁴। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वल टू निकल के आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू देखिए 3 × 10⁻³ - 3 इंटू 2 × 10⁻⁴, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया इसका और इसका, तो ये हो जाएगा यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ - 3 ये हो जाएगा -7 मीटर। और इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 10⁻⁷ - 7 × 10⁻¹० से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट। तो ये 10⁻¹० प्लस का और 10⁻⁻⁻ का 7, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻ + 3, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा
लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 × 10³, सॉरी ये प्लस का 3 होगा, 10³ एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।